बाड़मेर में कांग्रेस की जीत का आधार उसका बेसिक फार्मूला रहा। जातिगत वोटों का गणित कांग्रेस के पक्ष में रहते ही राह आसान हो जाती है। कांग्रेस की हार बड़े नेताओं की लड़ाई पर होती है और जीत का तरीका है इनका एक रहना। भाजपा का धरातल विधानसभा चुनावों के बाद खिसक गया था। पहले दिन से हार की लड़ाई लड़ी जा रही थी। बड़े नेताओं को भी पता था कि मुश्किल है, लेकिन मुमकिन करने को ताकत झोंकने में कमी नहीं रखी। वही कांग्रेस के लिए बाड़मेर में जातिगत वोट बैंक का एक फार्मूला है। JMM यानी जाट मुसलमान मेघवाल कांग्रेस ने इस बार इस फार्मूले पर काम किया। तीनों ही बड़े वोट बैंक पक्ष में रहने से कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान हुई। वही बड़े नेताओं की लड़ाई की वजह से नीचे के स्तर इसका असर जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता एक हो गए। कद्दावर नेताओं के बाद में दूसरी कतार के नेताओं ने भी फॉलोवर्स की भूमिका निभाई, तो कहीं पर वे चुप रहकर साथ हो गए। वही प्रत्याशी उम्मेदाराम बायतू से रालोपा से चुनाव हारे थे। नागौर में रालोपा ने गठबंधन किया, लेकिन बाड़मेर में उम्मेदाराम को कांग्रेस में लाया गया। यदि रालोपा से गठबंधन होता तो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक यहां साथ देता या नहीं, यह संशय था कांग्रेस के पक्ष में। यह निर्णय भी रहा। वही बाड़मेर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी जाट हैं। दो जाट उतरते ही राजपूत इस सीट के लिए अपना आदमी खड़ा करने की जिद पर थे। शिव विधायक रविंद्र सिंह उनके पास चेहरा था, लिहाजा रविंद्र को पूरे समाज ने साथ दिया। ऐसा होते ही भाजपा की जमीन खिसक गई। जाट एक होकर कांग्रेस के साथ रहे और इधर राजपूत अलग हो गए। अब केवल मूल OBC पर भरोसा रहा। जिनके सारे वोट मिले तो भी पूरे पड़ना मुश्किल था। यही कारण रहा कि BJP को यहाँ से हाथ धोना पड़ा। अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से BJP का हार जाना इसका ठीकरा रविंद्र भाटी पर फुट रहा है। कहा जा रहा है भाटी ने BJP को हराने के लिए ये सब खेल खेला और इसमें कांग्रेस का हाथ था। कहीं न कहीं उड़ती खबरें थी कि ये कांग्रेस की एक चाल है BJP को हराने की, और वो सच साबित हुई। लेकिन इसका सच क्या है वो तो ये नेता ही जाने। लेकिन BJP की हार से भाटी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाटी को BJP ने टिकट नहीं दिया और इसका नुकसान BJP को हुआ।